अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट पीली मूंग दाल इडली, जो कि बहुत ही हेल्दी है। ब्रेकफास्ट के लिए हम इसको बनाएंगे। तो देखिए, मैंने पीली मूंग की दाल ले ली है। इसको मैंने ओवरनाइट जो है भिगो कर रखा था। आप चाहे तो 4-5 घंटे पहले भी इसको भिगा सकते हैं। दाल का पानी मैंने फेंक दिया है। अब हम दाल को जो है जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हमें पीस लेना है अच्छे से। एकदम बारीक हम इसको पीसेंगे। दाल अच्छी अच्छी नहीं होनी चाहिए और पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। एकदम हल्का सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि दाल जो है हमारी पीस जाए। तो देखिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको पीस लेते हैं। इस तरीके से पीस लेना है, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, पेस्ट की तरह। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में और सारी दाल को हम इसी तरीके से पीस कर रेडी कर लेंगे। तो देखिए, सारी दाल को मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया। देखिए, इतनी थिक होनी चाहिए क्योंकि इडली का बैटर पतला नहीं होता है, थिक होता है। अगर आप पतला कर दोगे दाल को, ज़्यादा पानी डालकर पीसोगे, तो इडली आपकी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम इसमें थोड़ा बघार का तड़का देने वाले हैं हमारे दाल में, जो हमने दाल को पीसा है। जिसके लिए थोड़ा सा तेल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें राई डालेंगे और राई को अच्छे से स्प्लैटर होने देंगे और थोड़े कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। अब ये मैंने एक छोटी सी थोड़ी सी अदरक ले ली है, क्रश करके घिस के। दो हरी मिर्चों को बारीक कट करके लिया है और हरा धनिया लिया है। तो ग्रेट की हुई अदरक, या फिर अगर आपके पास अदरक का पेस्ट है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और हरी मिर्चों को भी ऐड करके हल्का हल्का सा बस हम ऑयल में सॉटे कर लेंगे। तो देखिए, बघार हमारा रेडी है। अब हम इसको पिसी हुई दाल में डाल देंगे। अब हम इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। आधी कप दही को अच्छे से फेंट कर डालेंगे। दही डालने से इडली जो है हमारी सॉफ्ट बनेगी। थोड़ा सा 1/2 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो सबसे पहले आपको दिख पाएगी। देखिए, सारे बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून हम इसमें इनो ऐड करेंगे। इनो ऐड करने से हमारी इडली जो है बहुत ही स्पॉन्जी बनेगी। ये इंस्टेंट रेसिपी है, इसलिए हम इसमें इनो का यूज़ कर रहे हैं। इनो डालने के बाद ज़्यादा मिक्स नहीं करना है बैटर को, बस जल्दी जल्दी से थोड़ा स्लो स्लो मिक्स करके हमें इडली बना लेना है। तो इडली के बर्तन को देखिए, सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हमने जो इडली का बैटर बनाया है वो हमें इसमें डालना है। बिल्कुल फुल नहीं भरेंगे, थोड़ा सा कम भरना है हमें इसमें बैटर को, क्योंकि इडली जो है पकने के बाद हमारी फूलेगी, साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और स्टीमर जो है इडली का बर्तन, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर। तो देखिए, दोनों ट्रे मेरी रेडी है और ये स्टीमर हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें इडली के बर्तन को रख देंगे। लीड से कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको स्टीम होने देंगे 12 मिनट के लिए। 12 मिनट में हमारी इडली बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह कितनी फूल गई है साइज़ में हमारी इडली, और 12 मिनट हो चुके हैं। टूथ पिक से चेक कर लेंगे। देखिए, अगर ये बिल्कुल क्लीन है तो हमारी इडली रेडी है। अगर ये गीली गीली चिपक कर आ रही है टूथ पिक में, तो आप इसको और थोड़ा स्टीम दे दें 3-4 मिनट के लिए। तो देखिए, हल्का सा मैंने इसको ठंडा होने दिया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखो, माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी इडली बनकर रेडी हुई है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आप डाइट पर हो तो भी आप इसको बनाकर खा सकते हो। बहुत ही हेल्दी है ये इडली।
तो सारी इडली हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम ग्रीन कोकोनट चटनी बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने एक अच्छा गीला नारियल ले लिया है, उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और मैंने थोड़ा ज़्यादा हरा धनिया लिया है क्योंकि इसी से ग्रीन कलर आने वाला है चटनी में। थोड़ा सा चना जो आधे टुकड़ों में होता है वो चना ले लिया है और 3 हरी मिर्चें ले ली हैं। अगर आपको और ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर चाहिए तो आप और ज़्यादा इसमें हरा धनिया डाल सकते हो। अब हम चटनी पीसेंगे, जिसके लिए हम जार में कोकोनट ऐड करेंगे, चना ऐड करेंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे और लास्ट में हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अब पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा और इसको हम पीस लेंगे अच्छे से। अब चटनी में तड़का देने के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है, उसमें हम राई और कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। बस हमारा ये तड़का जो है रेडी है बघार। अब इसको हम चटनी में डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने ज़्यादा कलर नहीं किया है चटनी को, मतलब हरा धनिया थोड़ा कम ही डाला है मैंने। थोड़ी ये लाइट ग्रीन बनी है, अगर आपको और ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर चाहिए तो आप हरे धनिया की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और ये चटनी को हम अच्छे से बघार में मिक्स कर लेंगे तो हमारी ग्रीन कोकोनट चटनी भी बनकर रेडी है। मैंने गाढ़ी रखी है, अगर आपको पतली खाना पसंद है तो आप और इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी मज़ेदार सी ग्रीन कोकोनट चटनी और पीली मूंग दाल की इडली बनकर रेडी है। ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है और बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो देखिए, एक इडली मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी स्पॉन्जी बनी है और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आया है। ये देखिए, बहुत सॉफ्ट बनी है हमारी इडली। तो आप इसको ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।